दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज। जिला ऊना के खड स्थित कोविड केयर सेंटर से राहत भरी खबर है। यहां रखे गए दो मरीज स्वस्थ हो गए हैं। दोनों को अब प्रशासन घर भेजने की तैयारियां कर रहा है। कोविड केयर सेंटर खड में उपचार के बाद रोगियों के ठीक होने का पहला मामला है। अब जिला ऊना से 33 में से 14 एक्टिव केस रह गए हैं, जबकि 19 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर खड में अब 13 एक्टिव मरीज इलाज करवा रहे हैं। हमारे पास दो कोविड केयर सेंटर हैं, खड में है 50 बेड का और 100 बेड का हमारा कोविड केयर सेंटर पालकवा में है, और एक हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो है हरोली में है 30 बेड का। अभी हमारा खड में जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे अभी हमारे 13 मरीज हैं, 15 मरीज थे अभी, और दो मरीज जो है आज जो है कोविड पेशेंट जो है नेगेटिव होकर घर जा रहे हैं। ये हमारे ज़िला के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार हमारे कोविड केयर सेंटर से दो लोग ठीक समय पे ठीक होके नेगेटिव होके जा रहे हैं। सर, जो कोविड केयर सेंटर में पेशेंट्स रखे गए हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट्स जो है उनको जी, जो भी कोविड केयर सेंटर में आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको कोई सिम्टम लक्षण नहीं है, फिर भी हम उनको जो है मल्टी विटामिन सी और कोई पैरास्टामोल, कोई कफ सिरप, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ़ है, अगर उनके सांस में दिक्कत आती है या उनको बुखार आ रहा है, तब उनको हम डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हरोली में शिफ्ट करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे किसी को ऐसी तकलीफ आई नहीं है। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में बीए, एलएलबी, एलएलबी, बीएससी नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें। कोरोना की जंग में ज्ञानम संस्थान ऊना आपके साथ है। कोरोना के चलते ज्ञानम संस्थान ऑनलाइन कोचिंग प्रदान कर रहा है। ज्ञानम संस्थान में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडियो ऊना यशपाल सिंह परमार ने ज्ञानम संस्थान की ओर से बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में सहभागिता की सराहना की है। एमडी अमित भाटिया के नेतृत्व में संस्थान बुलंदियों को छू रहा है। इस संस्थान में पढ़ने वाली हर छात्रा को 15% की छूट दी जा रही है। ये ऑफर उन सभी के लिए होगा जो लॉकडाउन पीरियड में दाखिला लेंगे। संस्थान में बैंकिंग, एसएससी, एचएस, अलाइड, एचपी, पुलिस, पटवारी, आर्मी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। संस्थान में कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राएं सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में सेवाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन दाखिले के लिए संपर्क करें।